जी आज ये देखिए पार्सल है, ये पैक किया है। ये अभी हो गया बन गया। अभी मैं जो जा रहा हूँ अपने कज़न के साथ ये शकील साहब के पास टैक्स के ऑफिस में, तो एक कंप्लेन भी करनी है कि जो डिलीवरी नहीं हुई वो उसको भी बताना है शकील साहब को, और फिर डिलीवरी भी नहीं जा रही। तो अभी हम लोग आ गए इधर। कितने मिनट आला छोटे आला एक शिकायत करनी है जी, मेरा जो चूल्हा है ना एक ज्यादा कादर है, आउटपुट डिलीवरी जुल देसी आज लेकिन गया नहीं है जी, और बंदा जो है कल जुल देसी लाहौर ते फिर वो आधा में लाहौर तो जा गया। ये कस्टम एक शेप बनाई बम है ते शकील साहब वो ऑर्डर था जो मेरे वो सर्कल जो लेके गए थे वो डिज़ाइन हुआ हुआ था आपके सामने था, वो बुक नहीं हो सका क्योंकि उसमें कोई इशू आ गया था। ये इशू आने की वजह से वो जो है अकाउंट वो बुकिंग नहीं हो सकी। आ जाता हूँ जाके बात करता हूँ, साथ में जो है वो दो ऑर्डर्स और भी आए उनकी भी जाके बुकिंग करवानी। तो अभी चलते हैं कुछ सामान सामान लाना है लेके आते हैं, उसके बाद फिर मैं जो उस तरफ ही जाता हूँ बुकिंग की तरफ शकील साहब के पास। अभी ये भाई जान भी उठ गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। माशाल्लाह डोगी इज़ बैक। डोगी को मैं इतना ढूंढता रहा, डोगी कहाँ चला गया, डोगी आ गया वापस आखिरकार, काफ़ी दिनों से गायब रहा है जी नाज़रीन। बहुत मज़े का डोगी, डॉगी मैं जानते भी है, डॉगी मैं बोलता हूँ तो खुश होते हैं। चारा बीमार हो गया था क्योंकि इसको किसी ने जो है वो पता नहीं मारा है या पिटा की है, बेचारे की टांग जख्मी थी जिसकी वजह से चल नहीं पाता था ये। अभी चलते हैं चीज़ें लेके आते हैं। काफ़ी अच्छे से मैं ढूंढ रहा था, घर का आ ही गया माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जो सामान में ले आया हूँ ये ले आया हूँ, और अभी जो है नाश्ता हम ये करेंगे, भाई साहब इनको भी साथ लेके जाता हूँ अपने। भाई साहब नहीं मेरे कज़न है इनको भी साथ लेके जी। क्या देख रहे? डिजिटल थाना, डिजिटल वोटिंग नहीं बनानी मशीन है लोग हाँ अरे टच स्क्रीन लाई दी यार माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मजे मजे की चीजें खा रहे हो, देख देख की खा रहे हो। बच्चे स्कूल टिफिन चलें जी, वेबसाइट डेवलपमेंट का तब तक थोड़ा बहुत काम करते हैं। पैसे हम लेट बनाए जी मेरे लिए हाले
कोरोना मुकाइए ते असें एशियन मुल्क मुकाइए हो वो कहीं है डरे दवाई खा मम्मी का नहीं कुछ हो जुदा होता है ये बैठी है हां दुई के बैठ गए थोड़ी खिड़की के अलावा रे पालिए मैं बैठे था परारे होते वाली सीट पे डाला कोई नजर ही नहीं आना ना कोई बकी नजर नहीं है हमारा डॉगी निकल जा ले आला दुआ पर का हो जा पहले ओ यार गिरी हो डॉगी नहीं के खुश हो तुम ला रहे देखी किसा तुम ला रहे जी दे डॉगी बोलो उसको कुछ खिला दो भाई खिलाएंगे खिलाएंगे उसको पिज्जा मंगवा के दो खिलाएंगे ये तो हम तो जा रहे हैं कब्रिस्तान अभी फिलहाल उसके बाद फिर आगे जाएंगे दूसरे कामों की तरफ कब्रिस्तान में पहुंच आए हैं आप देख सकते हैं कि छोटी सी गली है यहाँ से एंट्रेंस होती है ठीक है और आगे जो है कब्रें तो ये दुआ करने के लिए लगाए हैं कब्र बांधी गई है इस वजह से सारी जिंदगी रहनवासी बना थोड़ी करना असं कड़ना थोड़ी जाएगा पकड़ के बाद में उल्टा अम्मी ने बोल बोल के रहे 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 वो तो छोड़ के कराची है पापा जान नहीं बैठे ये वाली थी ना फिर जी जो आप लोगों ने कब्र देख ली है वो जो है वहाँ पे आगे करके ठीक है बांधी जा रही है तो अभी जो है अंदर चलते हैं आगे मेरी दादू की जो कब्र है उस पर जाके दुआ करता हूँ मैं चलता हूँ अच्छा आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कब्रिस्तान कितना बड़ा है ठीक है और ख़ूबसूरत भी है दरख्त लगे हुए हैं हर तरफ काफ़ी अच्छा व्यू है उनको मैं लेके जाता हूँ दादी की कब्र की तरफ हाँ सामने टेंकी है पानी वाली यहाँ से आप जो है पानी भर के लेके जाके कपड़ों को जो है धो सकते हैं अपनी देख सकते हैं आप मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ ये देखें ये है अभी इन्होंने जो है कल की सीटें करवा दी हैं मैं इसको यही कह रहा हूँ कि यार थोड़ा और ज़्यादा रुक जाओ अच्छा लगेगा लेकिन अभी ये मान नहीं रखे थे आगे रोजे आ गए जो अभी कोशिश करते हैं कि अब तो मान नहीं जाए आप देख सकते हैं कि आ गया हूँ ये दादी कब्र की तरफ थोड़ी सी आगे करके कोने में है ये कि आप देख सकते हैं कि पानी भी आ रहा है पानी ही देखें यहाँ पर हम मुफ्त का मारा लगा हुआ है ये देखें यहाँ से निकलता हुआ पाइप में से ज़रा सा लीक हो रहा है वोड़ी दादी की कब्र तो मैं आ गया दादी की कब्र पर अस्सलाम वालेकुम फिर जी जो आप लोगों ने कब्र देख ली है वो जो है वहाँ पे आगे करके ठीक है बांधी जा रही है तो अभी जो है अंदर चलते हैं आगे मेरी दादू की जो कब्र है उस पर जाके दुआ करता हूँ मैं चलता हूँ अच्छा आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कब्रिस्तान कितना बड़ा है ठीक है और ख़ूबसूरत भी है दरख्त लगे हुए हैं हर तरफ काफ़ी अच्छा व्यू है उनको मैं लेके जाता हूँ दादी की कब्र की तरफ हाँ
सामने टंकी है पानी वाली, यहाँ से आप जो है पानी भर के लेके जाके कपड़ों को जो है धो सकते हैं अपनी। देख सकते हैं आप, मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है। अभी इन्होंने जो है कल की सीटें करवा दी हैं। मैं इसको यही कह रहा हूँ कि यार थोड़ा और ज़्यादा रुक जाओ, अच्छा लगेगा, लेकिन अभी ये मान नहीं रहा, कहते आगे रोज़े आ गए। अभी कोशिश करते हैं क्या तुम मान ही जाए रहने का ज़्यादा दिन। ये माशाल्लाह मैं जो हूँ आप देख सकते हैं कि आ गया हूँ ये दादी कब्र की तरफ, थोड़ी सी आगे करके कोने में है ये, कि आप देख सकते हैं कि पानी भी आ रहा है, पानी ही देखें यहाँ पर मुफ्त का मारा लगा हुआ है। ये देखें यहाँ से निकलता हुआ पाइप में से ज़रा सा लीक हो रहा है, बड़ी दादी की कब्र। तो मैं आ गया दादी की कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम। ये तो अभी जो मेरे कज़न है वो भी दुआ करने के लिए चले गए कब्र पर। तो ये है व्यू, आप देख सकते हैं। मौसम नहीं हुई है मौसम ने जी, कह रहे हैं कि बेरियां जो है मैं खा लूँगा दोजक में, मैं जवाब दे दूँगा। तो ये बड़े मैंने अलग किस्म की बात की, कॉन्फिडेंस दे दिए कि भाई बेड़ियाँ मैं खा लूँ, अगले को बेशक पता ना हो जन्म में मैं जवाब देने वाला हूँ। चले कोई नहीं, वैसे इनकी नसीब भी ठीक नहीं है क्योंकि बेड़ी नहीं लगी वैसे भी। नहीं जी बेड़ी नहीं है। चलो ये दरख्त होता है इसके साथ लगती हैं, इतने दूर पेट्रोल लगा के आए हैं और हाँ चलो कोई नहीं, पेट्रोल ज़ाया भी हो गया तो फिर वापस आ जाएगा, फुल हो जाएगा। आसमान का मैच किया कि जल्दी से चल अल्लाह। हाँ मैं आऊँ, मैंने कुतरालना दे वहाँ यार। बाल कट गए जी छोटी जी, लड़का बना दिया लड़का कब्रिस्तान का जो है, ये अपनी मम्मी को भी दिखा रहे हैं। ठीक है गिंदी। हाँ ये उसकी चैनल वाला गिंदी चूचा, लुक ही चेंज कर दी मेरी गुड्डी की। तू जो था ना बहाने कर रहा ना, वो बहाने नहीं कर रहा सीरियस से, दो त्रे दिहाड़े और रुक जो, दो दिहाड़े काट थे हैं, दो त्रे दिहाड़े और हो गए, दो तीन दिन में क्या हो जाए, दो त्रे दिन जमा कई टेंशन लगी रही थी, जुलना था जुलना था जुलना था, सीट करा टिकट करा लिए करा वो करा। फिर तू आइए भी देसी तरह थे ना, वो आइए तो हूँ एमरजेंसी आए ना, अल्लाह की तरफ आइए हूँ, इस वास्ते काम होता ही एमरजेंसी यार, प्री प्लान कुछ भी नहीं होता। मेरी गल मान रुक जल थोड़ा और टिपटॉप अच्छा भी लग रहा ना सना कर। हाँ दो त्रे दिहाड़े रो। अच्छा तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इनक्यूबेटर्स वाली जगह पे आया हूँ जहाँ पे इनक्यूबेटर्स बनते हैं। अभी वो जो भाई जान थे वो चले गए हैं कांगड़े की तरफ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इधर बनते हैं। तो बेसिकली फिर मैं यहाँ इसी लेके जाता हूँ, भाई हैं जो बनाते हैं उनसे फिर हम यहाँ आगे सेल करते हैं। साइट डेवलपमेंट का काम लगा हुआ है जी आपके सामने, काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है और लगा हुआ है, मैं कर रहा हूँ। अभी जो है रात का वक्त है, बस अब सोने का टाइम है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।